नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार के अवसर को, और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। सरकार के सामने लंबे समय से आवारा मवेशियों द्वारा किसानों की खड़ी फसल में जाकर नुकसान पहुंचाकर फसल को बर्बाद करने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार की ओर से किसान की फसल को खेत में सुरक्षित रखने के लिए तारबंदी योजना के तहत किसान को खरीद पर अनुदान देने की योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस साल से लावारिस पशुओं से अपने खेतों को बचाने के लिए ऐसे किसानों को सब्सिडी पर तारबंदी करने की सुविधा दी है। इस योजना से जिले के 2 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनके पास न्यूनतम 2 बीघा और अधिकतम 8 बीघा भूमि हो। ज्यादा भूमि वाले अथवा मध्यम किसानों को इस सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। यह योजना मूलतः केंद्र सरकार के नेशनल मिशन ऑफ ऑल सीड एवं ऑल पॉम प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। सरकार बाड़ेबंदी के लिए तार खरीदने वाले किसानों को लागत का 50% अथवा अधिकतम 40,000 रुपये का अनुदान देगी। इस संबंध में गाइडलाइन जारी होने के बाद योजना की क्रियान्विति शुरू होगी। गौरतलब है कि खेतों की तारबंदी को लेकर जनप्रतिनिधि जिला स्तरीय बैठकों में कई बार मांग रख चुके हैं। मनरेगा में प्रावधान नहीं होने पर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इस योजना में अनुसूचित जाति के किसानों को 17.83% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 13.48% किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। देश के किसानों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। इस सीजन में जिले के किसानों ने 15 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुवाई की है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं में अब तारबंदी का प्रावधान होने से किसानों को राहत मिलेगी। आवारा पशुओं की समस्या से परेशान किसानों के खेतों की तारबंदी होने से राहत मिलेगी। मनरेगा में तारबंदी को शामिल करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। अब सरकार से मंजूरी मिलने से फायदा होगा। नील गायों के साथ आवारा पशु फसलों को चौपट कर देते हैं। ऐसे में खेतों के चारों तरफ कंटीली तारबंदी होने से फसलें सुरक्षित होगी और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सरकार ने जिस तरह योजना तैयार की है, इससे जिले के किसान लाभ उठा सकेंगे। योजना में मात्र 2 बीघा में लगभग 400 मीटर दूरी में कंटीली तार लगाई जा सकेगी। अनुदान राशि मिलने से इस श्रेणी में आने वाले किसान अपने खेतों की फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। उसे तार के साथ पिलर लगाने की व्यवस्था करनी होगी अथवा लोहे की एंगल लगाने होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।